अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे पता चला है कि जब आपने पहला अपना वीडियो लगाई उसके बाद 6 महीने तक आपने लॉग आउट कर दिया था बिकॉज़ यू वर ट्रैवलिंग। यस। और 6 महीने बाद जब आपने देखा तो आपको पता चला कि इतने फॉलोअर्स हो गए। मैं हैरान थी, मैं जापान गई भी थी, हम 6 महीने जापान जाते हैं और बंद किया। जापान क्यों जाते हैं आप यार? मेरी फैमिली रहती है वहाँ। अच्छा। मेरे मामू खाला कजन सब वहाँ रहते हैं, मामी तो उनके पास। 6 months you live in Japan and 6 months here। अच्छा, वो उनकी तरह इमरान कौन है वो? I live here and there as well. अच्छा अच्छा। That guy. SM Khan. SM Khan, right? तो 6 महीने यहाँ 6 वहाँ, और वहाँ जाते हैं तो फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम गुजर जाता है। यहाँ पे अब थोड़ी सी प्राइवेसी हमारी जो है ना, वो प्राइवेट लाइफ थोड़ी सी खत्म हो गई है मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैं बाहर नहीं निकल सकती घर से अब। अच्छा। वहाँ मतलब आपको हर वक्त अच्छा दिखना है, आपको अच्छे से रहना है, आपको लोग देख रहे हैं, आपको नहीं पता कब आपकी वहाँ से वीडियो बन के पोस्ट हो जाएगी और लोग उसे जो मर्जी समझें। जापान में ये होता है कि आप जब जाओ आप ऐसे ही पापा की टॉप में निकल जाओ, पापा की शर्ट में निकल जाओ, जूड़ा बांधा हुआ है, कोई नहीं देख रहा। हाँ। तो वहाँ पे एक रिलैक्सिंग टाइम गुजार के फिर मैं वापस आ जाती। तो वो 6 महीने भी आप जापान चली गई थी? यस। और फिर आपको पीछे से किसी ने नहीं बताया? किसी ने नहीं बताया मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है यार कि इतनी मैं थी नहीं ना सोशल मीडिया पे, इतना कुछ खास नहीं थी। मेरे पास फोन भी शायद हार्डली मुझे मिला होगा, सेकेंड ईयर में मिला होगा। अच्छा। और उस पर इतना कोई यूज़ भी नहीं मैं करती थी। मामा पापा, हम लोग ऐसे बच्चे हैं तीनों बहनें कि हम अभी भी हमने कुछ लेना होता है ना तो मामा पापा से कहते हैं ये दिलवा दें हमें, हम अपना पॉकेट मनी भी नहीं लेते और फ़ोन तो दूर की बात है। तो जो भी काम होता था मामा उसे कॉल कर दें, मामा ये कर दें। जब फ़ोन मिला है तो वैसे ही वीडियो बनाई है और बन करके हम चले गए। हाँ। जापान में हम अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं। जब वापस आके मैंने वैसे ही देखा, उस वक्त तक ज़रा टिकटॉक ना आप कह लें कि उसे लोग देखना शुरू हो गए। हाँ। थे और मैंने देखा कि मेरे 600 के फॉलोअर्स हैं। आई वॉज 6 लाख हो गए थे। 6 लाख हो गए थे, सिर्फ 3-4 वीडियोज पहले लगी हुई थी और जो लगा कर गई थी उस पर अच्छे खासे व्यूज़ थे। इंडिया में भी वायरल हुई हुई थी। आपको क्या लगता है भाई कि जन्नत मिर्जा में ऐसी क्या खास बात है कि जन्नत मिर्जा के 22 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं टिकटॉक? मैं सच बताऊँ, मेरे में से कोई शायद खास बात ना हो, लेकिन लोग मुझे ये बात कहते हैं कि आप इतने फॉलोअर्स होने के बावजूद, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, ये लोगों के अल्फाज हैं, आपके इतने फॉलोअर्स हैं लेकिन आप बहुत हम्बल हैं। मैं कभी भी कोई मेरे साथ पिक्चर लेने आए मैं उसे इनकार नहीं करती, कोई कहे वीडियो बनानी है आपके साथ मैं इनकार नहीं करती। वो इस चीज़ पे हैरान होते हैं और कहते हैं ना कि आजिज बंदा जो होता है वो अल्लाह के करीब होता है, और शायद यही वजह है। बड़ी आपके एक स्पिरिचुअल साइड भी है शायद। है उस, आपने बड़ी एक बात की मुझे अच्छी लगी। तो ये माशाल्लाह जो 22 मिलियन अब आपके फॉलोअर्स हो गए हैं, अब आगे क्या एक सोच है? जैसे अब आप जब कंटेंट क्रिएट कर रही होती, मैं आपकी कुछ मेरे वीडियो, मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ टिकटॉक पे बट मैंने देखी जब, तो जैसे आपने भी कहा ज्यादातर वीडियोस लिप सिंक हैं। और कुछ आपकी मैंने पिक्चर्स देखी, खाली स्टैटिक पिक्चर्स के ऊपर कुछ 2.5 लाख आपके व्यूज हैं। सो क्या ये वजह है कि बिकॉज यू आर सो प्रिटी माशाल्लाह इसलिए आपको बस ये लाइक और फॉलोइंग और ये सब कुछ मिल रहा है, या कंटेंट जो है वो आपका इतना स्ट्रॉन्ग है? क्या है, आपने ये सोची है बात? मुझे ऐसा लगता है कि लोग कंटेंट के अलावा मेरा कॉन्फिडेंस पसंद करते हैं कि मुझे आज तक बहुत से लोगों ने गिराने की कोशिश की है। मैं नाम किसी का नहीं लूंगी। नहीं ना यार, क्यों नहीं? मैंने कभी किसी से कोई क्लैश नहीं रखा, कभी किसी के बारे में कोई बात नहीं की, और आउट ऑफ नो वेयर मेरे ऊपर बात हो जाती थी। कौन करता है और क्यों करता है? I don't know क्या रीज़न है क्या नहीं, मुझे अभी तक समझ नहीं आया, लेकिन आज तक मैंने मुड़ के किसी के खिलाफ कोई बात नहीं की, कुछ नहीं कहा। लेकिन ये है कि कुछ लोग हैं जो आपको कहते हैं कि इसको बैठे बिठाए फेम मिल गया। अब मुझे एक बात आपने सच बतानी है, आपके पास 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है? एक आपके पास टिकटॉक है जहाँ आप अपना टैलेंट या आप अपना वीडियोज़ बना के आप फेम हासिल कर सकते हो। एक आपके पास ये कि आप धक्के खाओ, आप गिरो, फ्लॉप काम करो, ये सब करो और फिर कुछ और हरकतें करके आपको फेम मिल रहा है। आप गधे हो जो आप चूज़ करोगे ये वाला काम, या आप इजी प्लेटफॉर्म चूज़ करोगे। हाँ। तो लोगों को ये मसला होता है कि इसने स्ट्रगल नहीं किया। हमने भी स्ट्रगल किया है, लेकिन हम घर बैठ के अपनी वीडियोस बना रहे थे, लोगों ने पसंद की है। 3 साल में मैं यहाँ, मैं ये तो कह रहा हूँ कि आपकी एक पिक्चर जिसमें मतलब यू लुकिंग वेरी प्रिटी उसके ऊपर 2.5 लाख व्यूज हैं, तो वो कंटेंट तो नहीं फेम के साथ आया ना? कंटेंट तो मैंने बना लिया, लोग पसंद करने लग गए, फिर जाहिर बात आप जिसको पसंद करते हो आप उसे लाइक भी करते हो। अब फॉलोअर्स तो मेरे पास है, मैं चाहे यहाँ बैठ के भी लगाऊं तो लोगों ने पसंद करना है क्योंकि उनका मैं यहाँ बैठ के बनाऊंगी वीडियो, बनाऊंगी पिक्चर्स, बनाऊंगी आपके साथ भी, मेरे साथ बनाए आप, अगर आपके साथ, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने टिकटॉक एक बनाया और आपने मेरे साथ एक टिकटॉक बना के लगाया अपने टिकटॉक पे, मुझे कितने फॉलोअर्स मिलेंगे उससे?
मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप जब आपके साथ आपके दोस्त या जब लगाते होंगे टिकटॉक, तो उनके कितना फर्क पड़ता है? अच्छा, मुझे चीज़ नहीं पसंद, मैं आपको सच बताऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई इंसान मेरी पहचान से अपना फेम हासिल करे। इसका मतलब है कि मैं जन्नत के टिकटॉक पे नहीं जाने वाला भाई। मुझे ये होता है कि आप अपनी पहचान बनाओ, ये ना हो कि यार ये जन्नत का कजन है, यार ये जन्नत की फुप्पो है, इसलिए इन्हें फॉलो करना है। आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए, तो आप भी बनाएं आपके अपने, आपको पसंद करने वाले कौन सा काम है आप बनाएंगे, हो सकता है आपके फॉलोअर्स मुझे मिले, मेरे 23 हो जाए। लेकिन मुझे बनाना नहीं, ये आप बताएं थोड़ा, मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहता हूँ, और बहुत सारे यंगस्टर्स आपको देख रहे होंगे, और मुझे पता है फॉर अ फैक्ट बिकॉज ऑफ आर यूट्यूब प्लेटफॉर्म अ लॉट ऑफ पीपल, यंग पीपल एंड नॉट जस्ट यंग पीपल, इवन द ओल्डर जनरेशन, वो डिजिटल कॉन्टेंट क्रिएट करना चाहते हैं। वो कैसे क्रिएट करें, वो सोच, वो क्या थॉट प्रोसेस है यार, कि अब सब फोन तो सबके पास है और एप्स भी सबके पास है, देख सब रहे हैं, लेकिन हर कोई क्रिएट नहीं कर पाता, तो क्रिएट करने का प्रोसेस है वो थोड़ा शेयर करें। ये इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, सबसे पहले तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है अपने फ़ोन में, आपके पास फ़ोन कैमरा अच्छा होना चाहिए, आपके पास लाइट्स अच्छी होनी चाहिए। हम लोग अक्सर वीडियो बनाते हैं तो हमने दो दो रिंग लाइट लगाई होती है, क्योंकि टिकटॉक उन्हीं वीडियोज़ को आप कह लें कि फॉर यू पेज पर दिखाता है जहाँ पर अच्छी लाइट हो, अच्छा कैमरा हो, क्लियर रिजल्ट हो। इसके अलावा इंगेजिंग आपका कंटेंट होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, जो लोग पसंद करते हैं। उसमें आप कॉमेडी दिखा सकते हो, आप कोई स्टोरी दिखा सकते हो, लेकिन टाइम ड्यूरेशन आप 15 सेकंड्स टू 30 सेकंड रखें, ऊपर करेंगे तो वो लोग नहीं पसंद करते, बोरिंग हो जाता है। आप जब कोई कॉन्टेंट क्रिएट करी, जैसे आपने बहुत सारे स्किट्स, कॉमेडी स्किट्स टाइप आपने ये भी शेयर किया कॉन्टेंट, उसकी थॉट कैसे आती है, वो खुद आपका अपना कॉन्सेप्ट होता है? हम लोग प्लान करते हैं, मेरे अगर आपने देखी होंगी कोई ऐसी कॉमेडी वीडियोस है ना, तो हम लोग वो मैं अकेली नहीं सोचती, हो सकते हैं वो पीछे कोई और बंदा बैठ के कह रहा हो कि आपने ऐसे करना है, हम आपको यहाँ से। एक दफ़ा ना मैंने एक वीडियो बनाई थी, आई वॉज इन जापान, वहाँ से मैंने वीडियो भेजी, और यहाँ पे एक टिकटॉकर हैं उस्मान, उन्होंने यहाँ से वीडियो अपनी बनाई, हमने वीडियोस को मर्ज किया, मैं वहाँ थी वो यहाँ थे, यकीन मानो उसमें 26 मिलियन व्यूज आए थे, वो इतनी पसंद की गई। तो एक बंदे की आप कह लें कि पीछे मेहनत नहीं होती, पीछे पूरे 3-4 लोग बैठ के सोच रहे होते हैं, यहाँ से कैमरा आएगा, डायरेक्शन देने वाले अलग होते हैं, जैसे यहाँ सेट लगा है वहाँ भी अक्सर ऐसे लगता है, फिर लोग उसे पसंद करते हैं, वरना नहीं, इतना नहीं। अच्छा।